नाम हसमुख बोली, प्रेरणा उमरगाँव। इस फील्ड में आने से पहले कॉलेज स्टूडेंट था। तो बोलते ना कि कॉलेज करने के बाद कंप्यूटर क्लास भी किया, लेकिन उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में घूमना पड़ता। तो इंटरव्यू देने गया था तो वह जॉब के लिए अप्लाई भी हुआ, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद जॉब पे जाना तो पॉसिबल नहीं था। ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रीन स्टार कल्पना मैम के थ्रू मिली, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस बिजनेस को दिखाने वाले DTC प्लस स्टार सिल्वर बीकू खरी सर और STC प्लस स्टार सिल्वर जय सर, इन लीडरों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस सिस्टम को शुरुआत किया तो पहले तो लगता था कि ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो उसमें जैसे बोलते ना कि बिजनेस प्लान सिखाते ऑफलाइन के गुरु के साथ झगड़ा भी बहुत हुआ, नहीं आता था समझ में, तो झगड़ा भी बहुत करता था। फिर भी उन्होंने एक हिम्मत दी कि आप कर सकते हो, यहाँ से अचीव आप कर सकते हो। फिर मैंने नॉलेज ढूंढने के लिए यूट्यूब का सर्च किया, उस पर से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, जिससे मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस को सीखते गया और टीम को भी सिखाते गया। तो उसमें जिस जिस को फ्रेंड को प्लान दिखाता था कि मेरे पास एक अच्छा काम है तो हम ये करके हम आगे बढ़ सकते, तो बोलता है क्या ये जोड़ने वाला काम है, ये बनाने वाला काम है, सब बहुत ऑब्जेक्शन है। आधे लोगों ने ब्लॉग भी किया था, लेकिन मैं एक ये थे कि नौकरी करूँगा तो 50 से 60 साल कहीं भी मुझे गधा मजूरी तो करना पड़ेगा उधर। तो एक अपॉर्चुनिटी जो 60 साल मेहनत करना है वही मैं यहाँ पे 6 साल ईमानदारी से करूँगा, तो मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूँगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे स्टार पे आते, स्टार पे लोगों ने स्टार रैंक अचीव किया, तो बहुत से लोगों का बताया कि देखो यहाँ से ये अचीवमेंट है, ये भी इनकम आ रही है। फिर भी लोग विश्वास करना कम था, फिर भी धीरे धीरे ग्रोथ करते करते ग्रीन स्टार पे आए, फिर भी अचीवमेंट दिखाए, फिर भी वो लोग वही बोले कि आप आगे बढ़ो, दाढ़ी लो, बाद में बढ़ते आगे, ऐसा करके धीरे धीरे जैसे अपलाइन बोलते गए कि जूम मीटिंग अटेंड करो, प्लान दिखाना स्टार्टअप करो, भले ही आए ना आए फिर भी आप कोशिश करते रहो, आज नहीं आएगा तो कल तो आ जाएगा, कोशिश करते रहो। ऐसे करते करते टीम कोऑर्डिनेटर जो कंपनी का रैंक हासिल किया, यहाँ पे 3 लाख का इंश्योरेंस मिला, ये सभी जो मेहनत थी वो मेरे अपलाइन गुरु मेंटर लोगों के जैसा कि सपोर्ट के वजह से पॉसिबल नहीं था। तो उनके सपोर्ट के लिए उन्हें दिल से एक धन्यवाद, और मेरी प्यारी सी जो छोटी टीम है जिन्होंने बहुत सपोर्ट मिला और नया नॉलेज यहाँ से भी मुझे मिला। जो फील्ड पे मैं भी गलती करता था वो उन्हें बताता गया, वहाँ से भी मुझे सीखने को मिला। ये सभी अचीव करते करते यहाँ तक पहुँचा था, आप सभी का धन्यवाद। जय जय माता दी।